सबसे अच्छी सफर रहा है, लाभ मिल रहा है, वो लाभ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव के काम से बहुत संतुष्ट हैं, काम अच्छे के लिए है। सबसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही जो सब में निकम्मी गवर्नमेंट थी, उसके जमाने में तो किसी तरह का कोई विकास हुआ ही नहीं। योगी राज में मतलब कि महिला शेफ है, क्योंकि नौजवानों के लिए जो उन्होंने कर दिया वो आज तक भविष्य न कोई सीएम किया न तो कोई कर पाएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने अपने वक्त की सरकार के कामकाज को बेहतर दिखाने का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन पर जनता की राय जानने के लिए इस बार का सवाल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के कामकाज को लेकर पूछा गया है। हम यूपी के लोग के तीसरे संस्करण में नवभारत टाइम्स के संवाददाताओं ने ये राय जानने की कोशिश की है कि प्रदेश में किसकी सरकार बेहतर थी। सूबे के 45 जिलों में हमारे संवाददाताओं ने आम लोगों से सवाल किए कि योगी आदित्यनाथ के बीते 4.5 साल और समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती 5 साल की सरकार में कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर थी। गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक जनता ने जो रुझान और प्रतिक्रियाएं दी हैं, आइए उन्हें सुनते हैं। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, हम दूसरा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे अयोध्या में विकास हो रहा है ये तो मुझे परफेक्ट पता है। और रही बात की नुकसान और ना नुकसान होना, तो वो यहाँ की जनता अब जैसे अभी नॉर्मली कई सड़कें हैं जहाँ पे लोग अभी क्या है कि वो चला रहे हैं, अपना नाव चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, कोई सर पे बैठ के आ रहा है, बच्चे उससे जा रहे हैं, तो विकास अभी तो प्रगति पे है। देखिए, अगर पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार से पहले केवल एक क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था जो कानपुर के ग्रीन पार्क कहा जाता है। उसके बाद एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, इकोनॉमिक स्टेडियम के नाम से लखनऊ के अंदर। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव तक चलता था, उस मेट्रो को लखनऊ में बनाने का काम, लखनऊ में चलाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। और जो गरीब बच्चा इंटर पास करता था, जिसके माँ बाप की हैसियत लैपटॉप खरीदने की नहीं होती थी, उन बच्चों को भी लैपटॉप देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हो गया। प्रदेश में सब व्यक्ति सुरक्षित है। आज जो लूटपाट गुंडाई होती थी, छियामारी होती थी, बैंक लूटते थे, गुंडे लोग लूटते थे, आज जब से योगी जी आए हैं ऐसे लोग के यहाँ पर कोई भी प्रदेश में गुंडा नहीं दिखता, उनकी जगह जेल में है। जब वो फिर प्रदेश छोड़ के चला गया है। कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने वाले ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये योगी जी को दिख नहीं रहा है या देखना नहीं चाहते हैं। ये उनको देखना चाहिए कि उनके राज में अभी आज ही मैंने लखनऊ में देखा कि बक्सी के तालाब मर गौशाला में काफ़ी गायों का छत विछत सब वहाँ पड़ा हुआ था, जिसको देखने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। और मैंने इसको देखा तो मेरे काफ़ी दिल में ठेस पहुँची, क्योंकि मैं खुद गौ माता को सुबह शाम रोटी देता हूँ। काम तो शायद है कि सपा सरकार में कुछ दिखाई देता था, इस सरकार का काम इस तरह का है कि दिखाई कम देता है, लोगों में डर ज़्यादा है। कि जो भी परियोजनाएं केंद्र सरकार से आ रही है वह कष्टकारों तक पहुंचा रहे हैं और उनके हर लाभों को दे रहे हैं। इसके पहले के सरकार जब भी कोई भी परियोजना आती थी तो ब्लॉक तक आते आते समाप्त हो जाती थी। ये साधुओं के काम से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि नौजवानों के लिए जो उन्होंने कर दिया वो आज तक भविष्य में न कोई सीएम किया है न तो कोई कर पाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 2017 में काम किया है आज वो दिखाई दे रहा है, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, 100 नंबर हो गया, और किसानों का जो फसल वसल का काम था मुफ्त सिंचाई वाला वो है, और बेरोजगारी भट्टा वो चालू होना चाहिए, आज योगी सरकार वो चालू नहीं कर रही है। योगी राज में मतलब कि महिला शेफ है, और अखिलेश की सरकार में मतलब कि लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, और आज की डेट में जो मतलब कि योगी राज है वो आज मतलब कि लड़कियां सेफ भी हैं और रात को घर से बाहर भी निकल सकती हैं। तो इस समय जो मेरे को काम दिखा सबसे ज़्यादा, लॉकडाउन होने के बावजूद भी मेरे को योगी जी का काम दिखा,
क्योंकि अखिलेश सरकार में हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ कि कई बार लाइट का इतनी देर कट ऑफ लग जाता था और कुछ कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कुछ आती रहती थी जो नहीं देखनी चाहिए थी और जो योगी सरकार में देखनी नहीं पड़ रही है। काम भी हो रहा है और वैक्सीनेशन की बात आई, इतनी जल्दी यूपी में सबसे ज्यादा हुआ, मोदी जी ने भी काफी उनको अप्रिशिएट करा योगी जी को। सबसे अच्छी सफर रहा भाजपा जब से आई तब से रोजगारी बढ़ गई है, खेत साढ़ भैसा चलने वाला है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है कि इस समय सिर्फ बेहतर ही बेहतर है। योगी सरकार की जब से बनी है सरकार बेहतर ही बेहतर है, इतनी ज़्यादा गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रखा है माननीय योगी जी ने कि कहा नहीं जा सकता, गिनती नहीं कराई जा सकती है। सौभाग्य योजना है, सामूहिक विवाह योजना है और किसान सम्मान निधि है और सुमंगला योजना है, ऐसी अनगिनत जो है कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं और इसके अतिरिक्त जानवर को भी देखते हुए जो है हमारी योगी सरकार ने जो है गौ सेवा और गौ पालन का भी एक योजना चला रखी है। अन्य सरकारों की अपेक्षा जो बीजेपी सरकार की बात की जा रही है वो बहुत बेहतर है और युवाओं के लिए एक नौकरी का पिटारा हो, चाहे रोजगार का माध्यम हो, चाहे कौशल विकास के माध्यम से हो, चाहे स्वावलंबन की बात की जाए, तीनों तरह से सफल होते हुए नजर आ रही है। बीजेपी जब से आई है जिस मुद्दे की गरीबी हम हटाएंगे, लेकिन आज तक बीजेपी सब चीज़ों में विफल रही है क्योंकि उसने कभी गरीबी हटाई नहीं और गरीब को मारने का काम किया है।